तो स्टूडेंट्स, अभी अपन टॉपिक तो अपन ने दो वीडियोस के अंदर कवर करा, अभी अपन इस पर बेस्ड, दोनों टॉपिक्स पर बेस्ड, जो रॉन्गली कनेक्टेड और राइटली कनेक्टेड उन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें आइडेंटिकल सेल्स कनेक्ट है सीरीज में, सबके रेजिस्टेंस भी बराबर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4.6 ओम कनेक्ट है। आपको क्या पूछेगा कि व्हाट इज द करंट, तो आप सब पहले तो एक नजर सब पे डालिएगा कि क्या सारे रेजिस्टेंस राइटली कनेक्टेड है, तो आप देखेंगे कि हाँ बिल्कुल सारे रेजिस्टेंसेस जो है वो राइटली कनेक्ट है। तो ऐसे में ई इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, एन टाइम्स ऑफ ई, तो एन टाइम्स ऑफ ई विल बी व्हाट, कितने कितने, चार है तो चार इंटू दो, तो आठ वोल्ट तो आपका ईएमएफ आ गया, ठीक है। और आपका आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, एन टाइम्स ऑफ आर, तो 4 × 0.1, आप लोग क्वेश्चन पोज करके आंसर सॉल्व कर सकते हैं, एंड आर कितना आपके पास 4.6 ओम, तो आई विल बी व्हाट, फॉर्मूला ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर होता है, ठीक है। तो इसको ये अपन देखेंगे आगे, इसको अपन आगे देखेंगे, तो ई इक्विवेलेंट इज व्हाट, 8 वोल्ट अपॉन, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 5 × 5 कितना बच गया, 3 बच गया, तो 1.6 एम्पियर, दिस इज द करंट, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें आपको ई इक्विवेलेंट से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बहुत आराम से हो गया आपसे। अब देखो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूं, सब लोग नोट कर लेना, स्क्रीन पोस्ट करके जहां पे क्लियर व्यू स्क्रीन का, थोड़ा सा एक चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, इसमें इस सेल की जगह इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। जैसे इसको आप ऐसे कनेक्ट करेंगे, ये केस बन गया किसका, रॉन्गली कनेक्टेड का। किसका केस बन गया बेटा, रॉन्गली कनेक्टेड। इसमें क्या है कि आपका एक सेल जो है वो रॉन्गली कनेक्टेड है, समझ रहे हैं, वन ऑफ द सेल इज रॉन्गली कनेक्टेड। तो इसमें आपको क्या क्या पूछेगा मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इस सवाल को मैं टफ बनाऊं। सबसे पहले आपको करंट पूछेगा कि करंट बताओ कि व्हाट इज द करंट थ्रू द सर्किट, या 4.6 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद आपको पूछेगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग एनी राइटली कनेक्टेड, कौन सा कनेक्टेड, राइटली कनेक्टेड सेल, राइटली कनेक्टेड सेल। तीसरी चीज आपको पूछेगा वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग रॉन्गली कनेक्टेड, अब रॉन्गली तो एक ही है, रॉन्गली कनेक्टेड सेल के अलोंग आपको क्या पूछेगा बेटा, रॉन्गली कनेक्टेड सेल के अलोंग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा। तो आप बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, करंट तो आप निकाल सकते हैं, आपको मैंने बताया था, नोट करते जाना, करंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद करो, सेकंड वाले वीडियो में बताया था, आज के सेकंड वाले वीडियो में, एनी अपॉन एन माइनस 2m इंटू ई अपॉन एन प्लस एम आर प्लस आर, ये फॉर्मूला बताया था, आपने नोट करा होगा आपकी कॉपी में। अब यहां पर एन क्या है, कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 वोल्ट का ये बेटा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, एन क्या, एन क्या है, एन का मतलब ये नहीं है कि राइटली कनेक्टेड कितने सेल है, नहीं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ सेल्स, कितने टोटल नंबर ऑफ सेल्स है, ध्यान रखना, 1, 2, 3, 4, वेरी गुड, 4। और एन क्या है कि रॉन्गली कनेक्टेड कितने है, 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ईएमएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट, सबका 2 वोल्ट है। और आपका आर कितना है, 4.6, और स्मॉल आर कितना है, 0.1 ओम, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अपन इसको अभी, इसको मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको थोड़ा टाइम दें और इसको सॉल्व करें आप, इट विल बी इजी फॉर यू, थोड़ा सा ट्राई करो आप, है ना, पोस्ट करके स्क्रीन को सब बच्चे ट्राई करेंगे, सबने सॉल्व कर लिया होगा। तो सारे बच्चे इधर देखो, फॉर्मूला क्या था आई का, बता मुझे, n माइनस 2m इंटू ई अपॉन n,
भाई यहां क्या आता है, स्मॉल आर इक्विवेलेंट आता है, स्मॉल आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये सबको ऐड करो तो यहां होगा एनआर और बाद में क्या आएगा बेटा कैपिटल आर, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आई विल बी इक्वल टू एन, व्हाट इज एन, 4 माइनस 2 इंटू ई, ई कितना है 2 वोल्ट, और एनआर कितना है, एनआर एन इज 4, आर कितना है 0.1 इंटू 4.6। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 2 4, 4 अपॉन 5, मेरे हिसाब से सही है 4 अपॉन 5, तो ये आएगा 0.8 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है इसके अंदर, समझ रहे, 0.8 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। बहुत ही आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं है सारे बच्चों को, बहुत ही आसान चीज है ये। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया पिछले वाले लेक्चर में बताया आपको। अब दूसरा पार्ट जो आपको पूछा वो क्या है कि व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग एनी राइटली कनेक्टेड सेल, कोई भी राइटली कनेक्टेड सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यह आपको पूछा है। तो अपन देखते हैं कि कोई भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है अलोंग एनी राइटली कनेक्टेड सेल, तो राइटली कनेक्टेड सेल से क्या होगा बेटा, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट कहां आ रहा है, बाहर आ रहा है, और राइट रॉन्गली कनेक्टेड सेल के अंदर जा रहा है, तो अपन तो राइटली कनेक्टेड, तो हर राइटली कनेक्टेड सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज जब कोई सेल होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो V इज व्हाट, पता नहीं, E कितना है 2, I कितना है, करंट इज 0.8 एंड R इज 0.1, यही है। तो V विल बी व्हाट 2, सॉरी यहां पर माइनस साइन आएगा और यहां पर माइनस 0.08, ठीक है। तो V विल बी व्हाट 1.92 वोल्ट, दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए राइटली कनेक्टेड सेल, कौन सा सेल, राइटली कनेक्टेड सेल। अब तीसरा पार्ट जो है वो आपको क्या पूछा, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, सारे बच्चों को पता, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग रॉन्गली कनेक्टेड सेल, तो जो रॉन्गली कनेक्टेड सेल आपका है उसके साथ क्या हो रहा है, उसके अंदर करंट जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा, मतलब रॉन्गली कनेक्टेड सेल की क्या हो रही है, चार्जिंग हो रही है, और जब चार्जिंग होती है तब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आता है, E प्लस आई आर। तो V कितना होगा, व्हाट विल बी V, निकालना है, E कितना है 2 प्लस 0.8 इंटू 0.1, तो वही 0.08 ऐड हो जाएगा, तो 2.08 वोल्ट ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसके लो, राइटली कनेक्टेड सेल के लो, समझ में आया, और रॉन्गली कनेक्टेड सेल के लो सॉरी और राइटली क्या अलोंग ये होगा, क्योंकि वो डिस्चार्ज होगा और ये क्या होगा बेटा चार्ज होगा। तो बहुत अच्छा सवाल था ये, सारे बच्चे इसको कॉपी करें, नोट करें।